हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन। देखिए, चार फंदों का और चार लाइन का ये खूबसूरत सा पैटर्न है। इसे आप किसी भी जर्न स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, शक्स में, शूज में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 13 फंदे डाल लिए हैं, चार 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 और एक फंदा एक्स्ट्रा एच के लिए। तो 13 फंदे डालने के बाद आप चार के मल्टीपल में कितने भी फंदे डाल सकते हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा एच के लिए। तो मैंने 13 फंदे डाले हैं और पहली लाइन में बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहली लाइन में मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और पीछे से, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब उनको हम अपनी तरफ लाएंगे, उनको अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे हमें दाहिनी सिलाई में ले लेना है। अब ऊन को अपनी तरफ रखे हुए ही हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए, ऊन हमारा हमारी तरफ है तो तीन फंदा सीधा बुनना है। ऊन ऐसे ऊपर की तरफ से जाएगा, तीन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन। अब फिर हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को हमें स्लिप करना है और ऊन को अपनी तरफ रखे हुए ही नेक्स्ट तीन फंदे को हमें सीधा बुनना है। देखिए, ऐसे ऊन ऊपर की तरफ से जाएगा, अगला फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदा हमने सीधा बुन लिया। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने डिज़ाइन का दूसरा लाइन और सामने से। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा इसे हम सीधा, सॉरी, अगला फंदा जिसे हमने पीछे से सीधा बुना था, इसे हम सामने से उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, ये हमारा स्लिप किया हुआ फंदा आ गया। तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और ये जो थर्ड ऊपर से आया, इन दोनों को हम एक साथ लेके स्लिप कर लेंगे। तो स्लिप किया और ऊन वापस ऐसे चढ़ाकर अपनी तरफ लाएंगे, तो ये हमारे तीन थ्रेड हो जा रहे हैं, एक दो और तीन। अब फिर नेक्स्ट जो तीन फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन। अब देखिए, ये फिर स्लिप किया हुआ फंदा आ गया। तो स्लिप किया हुआ फंदा और ये जो थ्रेड ऊपर से आया है, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, इन्हें हम स्लिप कर लेंगे और फिर थ्रेड जो हमारी तरफ है, इसे हम वापस सिलाई पर से घुमाकर अपनी तरफ लाएंगे। नेक्स्ट तीन फंदों को हमें उल्टा बुनना है, एक दो तीन। अब फिर ये स्लिप किया हुआ फंदा आ गया, तो स्लिप किया हुआ फंदा और ये थ्रेड, इन दोनों को हम वापस दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, इन्हें हमें बुनना नहीं है। और फिर थ्रेड जो हमारा हमारी तरफ है, इसे हम ऐसे घुमाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। अब एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को हमें सीधा बुनना है, तो इसे सीधा बुना। अब देखिए, ऊन को अपनी ओर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे तीन हो गए हैं,
एक ये हमारा स्लिप किया हुआ फंदा और ये दो थ्रेड। अब इन तीनों को हम ऐसे एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन फंदा बनाएंगे, एक, अब फिर उन सिलाई में ऐसे चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और एक और फंदा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तीन थ्रेड थे, यहाँ पे देखिए तीन फंदे हो गए। अब इसे हम ऐसे गिरा देंगे और फिर उन दूसरी ओर तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन। अब देखिए फिर तीन फंदे आ गए, उन अपनी ओर करेंगे, तीनों को एक साथ लेते हुए तीन उल्टे फंदे बनाएंगे, एक बनाया, उन सिलाई में ऐसे चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, एक और फंदा बनाएंगे। अब इसे हम गिरा देंगे। अब देखिए तीन सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर तीन फंदे, देखिए एक, दो, तीन, ये तीन दिखाई दे रहे हैं, तो इससे हम तीन फंदे बनाएंगे, एक, फिर उन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इन्हीं तीनों में एक और उल्टा फंदा बना लेंगे। तो ये तीन से तीन फंदे बना लिए। अब उन दूसरी ओर करेंगे, एक फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। तो इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये हमने एक से तीन फंदे बनाए हैं, तो क्या करेंगे, अब एक ये एक से तीन फंदे बनाए थे उसमें से और एक ये उल्टा फंदा, इन दोनों को हम ऐसे सामने की तरफ से लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। सीधा फंदा बनाया, फिर एक फंदा सीधा और फिर देखिए ये हमारा एक से तीन किए हुए फंदे में से ये और उल्टे में से एक फंदा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बुनते हुए तीन दो का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो दो फंदे बढ़ाए थे यहाँ पे वो घट जा रहे हैं। अब एक फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे। अब फिर दो फंदे को लेंगे, एक एक से तीन किए हुए फंदे में से ये, यानी ये एक डिज़ाइन का फंदा और एक उल्टा फंदा, और ऐसे सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे और इन्हें सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर देखिए इस ये फंदा डिज़ाइन का फंदा और उल्टे फंदे में से एक फंदा, ऐसे बैक लूप से सिलाई डालेंगे, बैक लूप से सिलाई डालेंगे और इन दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब बीच में एक उल्टा फंदा बन रहा बच रहा है, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर उन दूसरी ओर अब डिज़ाइन का एक फंदा और एक उल्टा फंदा, ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, इन दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर ये डिज़ाइन का फंदा और एक ये उल्टा फंदा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये हमारा चौथा लाइन भी कंप्लीट हो गया। तो इन्हीं चार लाइनों को हमें बार बार रिपीट करना है जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। इन्हीं चार लाइनों को हमें बार बार रिपीट करना है तो ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।